बिहार न्यूज पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी शाह। देखिए बिहार की कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। आपको बता दें कि इसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो परिवार से शादी का प्रेशर हो बच्चियों पर या फिर जो है पैसों को लेकर कोई दबाव हो जिस वजह से 12वीं के बाद बिहार की बच्चियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। और ऐसे ही विद्यार्थी के लिए जो है बिहार सरकार नई योजना चलाई है जिसका नाम है कन्या उत्थान योजना। इसके बाद अगर आप 12वीं की पढ़ाई के बाद अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसका खर्चा जो है बिहार सरकार उठाने वाला है। तो कितना खर्चा सरकार उठाने वाली है, आइए हम आपको तमाम डिटेल और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने वालों के लिए ये सुनहरा मौका है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें वही सिवान के लगभग 11,000 और 12वीं पास छात्राएं कन्या उत्थान योजना के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना के लिए सिर्फ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राएं ही आवेदन करने की पात्र होंगी, इसके अलावा कोई लाभार्थी योग्य नहीं है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है जिसको DRCC कार्यालय या साइबर कैफे से ही जाकर ऑनलाइन कराया जा सकता है। बता दें बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, बेटियों की शिक्षा का भार गार्जियन पर ना पड़े, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं का उत्थान हो, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से चलाई जा रही कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास बेटियों को 25,000 रुपए सरकार देती है ताकि उस पैसे से बेटियां ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर आगे बढ़ सके, साथ ही उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। वहीं इसके तहत लाभार्थी को 15 मई तक ही आवेदन कर लाभ लेने का मौका है। लाभार्थियों के पास महज 4 दिन का समय बचा है। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड से DBT कराया गया हो, जाति, आय, निवास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID देनी होगी। वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन की जांच विभाग द्वारा की जाएगी। पात्र आवेदकों को 25,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार आवेदन करने से पहले आवेदक को घोषणा करनी होगी कि इंटर परिणाम जारी होने के समय वो अविवाहित थी, साथ ही बिहार की निवासी थी, और तो और इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदक अपने जिला का चयन करने के साथ पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, इंटर में प्राप्त अंक के साथ वैवाहिक स्थिति और मोबाइल नंबर दर्ज कराने पर OTP सत्यापित होगा और वहीं विवाहित होने की स्थिति में उनका आवेदन रद्द हो जाएगा और वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। कि अगर आप भी 12वीं पास है और आप एक महिला छात्रा है तो आप जाकर जो है 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आप विवाहित नहीं बल्कि अविवाहित महिला है। इसके बाद ही आपको सरकार द्वारा 25,000 की राशि आपके खाते में आपको मिलेगी। खैर आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।